ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ के असिस्टेंट प्रोफेसर मेहतावलम आप लोगों को सीपीसी की क्लासेस पढ़ा रहे हैं। आज हम जानेंगे कि इनहेरेंट पावर क्या है, सिविल न्यायालय की इनहेरेंट पावर क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। सेक्शन 151 में दी गई है। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, बीएलएलबी एलएलबी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और किस तरीके से इसको आंसर को लिखना है। और मैं अपनी शॉर्ट नोट्स में मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा इनहेरेंट पावर क्या है और आप इसको समझिए और आसानी से आप एग्ज़ाम्स में इसको लिखिए। चलिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिविल न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के बारे में आप क्या समझते हैं। इनहेरेंट पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट्स, सिविल न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति के बारे में आप क्या समझते हैं। इसका आंसर हम देखते हैं, किसी भी विधि में विधि के समस्त विषयों का शामिल करना संभव नहीं होता। इनहेरेंट पावर बनाने का जो उद्देश्य था वो यही था कि किसी भी विधि में विधि के समस्त बातों को शामिल करना संभव नहीं होता है और ना ही संभव हो सकता है कि किसी विधि में विधि की समस्त बातों को शामिल कर लिया जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ छूट भी जाता है, कुछ इन फ्यूचर भी आता है, तो इसीलिए इनहेरेंट पावर की बात की जाती है। तो किसी भी विधि में विधि के समस्त विषयों को शामिल करना संभव नहीं होता है। कभी कभी न्यायालय के समक्ष ऐसे वाद आ जाते हैं जिनके बारे में सीपीसी में या सिविल प्रक्रिया संहिता में कोई प्रावधान नहीं होता है। ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय को न्याय साम्य और सद्विवेक के आधार पर वाद का निपटारा करने की शक्ति प्रदान की जाती है। यही शक्ति न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति कहलाती है। देखिए, सिविल प्रक्रिया संहिता में अंतर्निहित शक्ति की कोई भी परिभाषा नहीं दी गई है और डेफिनेशन क्लॉज में इनहेरेंट पावर की कोई भी डेफिनेशन नहीं दी गई है। हम इसको आपको समझाते हैं इनहेरेंट पावर की क्या डेफिनेशन बनती है और इनहेरेंट पावर क्या है, किस पर्पज से बनाई जाती है। इसको मैं दोबारा पढ़ता हूँ, किसी भी लॉ में विधि के समस्त विषयों को शामिल करना संभव नहीं होता है। कभी कभी न्यायालय के समक्ष ऐसे वाद भी आ जाते हैं जिनके बारे में संहिता में कोई प्रावधान नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में न्यायालय को न्याय साम्य और सर्वविवेक के आधार पर वाद का निपटारा करने की शक्ति प्रदान की जाती है। यही शक्ति न्यायालय की अंतर्निहित या इनहेरेंट पावर कहलाती है। धारा 151 के अनुसार, धारा 150 सेक्शन 151 के अनुसार इस संहिता की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि ऐसे आदेशों को देने की न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को परिसीमित या अन्यथा प्रभावित करती है। मतलब जो इनहेरेंट पावर का जो हम प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है, वो किस किन किन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जारी की जाती है। पहला, न्याय के उद्देश्यों के लिए, न्याय के उद्देश्य विफल ना हो, न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, न्याय के दुरुपयोग को रोकने के लिए, न्याय के उद्देश्य को विफल होने से रोकने के लिए, न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, न्यायालय की आदेशिका के दुरुपयोग का को रोकने के लिए आवश्यक हो। एक बात और ध्यान रखिए, धारा 151 जो इनहेरेंट पावर की बात करती है वो ये कहती है कि अगर सीपीसी में किसी विषय के बारे में स्पेशल प्रोविज़न दे रखा है, मतलब कोई बात है और उसके बारे में सीपीसी ने प्रावधान कर रखा है, सीपीसी में उसके लिए उससे रिलेटेड सेक्शन दिया है, तो उस समय सेक्शन 151 के तहत इनहेरेंट पावर का यूज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब ऑलरेडी सेक्शन दिया हुआ है उसके बारे में सीपीसी में प्रावधान किया गया है तो पहले उस सेक्शन का पालन किया जाएगा, ना कि इनहेरेंट पावर का प्रयोग करके उस सेक्शन की अवहेलना की जाएगी या उस सेक्शन की उल्लंघन किया जाएगा। मान लीजिए अगर ऑर्डर 5 में समन की प्रोसेस बताए गए हैं और ऑर्डर 27 से लेकर ऑर्डर 32 सेक्शन 27 से लेकर सेक्शन 32 तक अगर समन्स के बारे में बताया गया है तो आपको उन्हीं नियमों का पालन करना होगा जो सेक्शन 27, 28, 29, 30, 31, 32 में दिया है और ऑर्डर 5 में दिया है, ऑर्डर 5 में जो समन का प्रोसेस दिया है, ना कि आप सेक्शन 151 इनहेरेंट पावर का प्रयोग करके इन सेक्शनों का उल्लंघन कर सकते हैं और अपनी कोई अलग से प्रोसेस बना सकते हैं। इनहेरेंट पावर का प्रयोग करने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि
कि सीपीसी में जो सीपीसी में अगर कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है तो आप इनहेरेंट पावर का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इससे न्याय को उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है और न्यायालय की आदेशिका का दुरुपयोग होने से रोक सकते हैं। ये ध्यान रखिए, जब सीपीसी कहीं भी मौन है, जहाँ सीपीसी बिल्कुल साइलेंट है, सीपीसी इस विषय में कुछ बोल ही नहीं रही है, तब सेक्शन 151 इनहेरेंट पावर का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि न्यायालय को न्याय साम्य व सद्विवेक के आधार पर वाद का निपटारा करने की पावर देती है। तो अगर सीपीसी में स्पेशल प्रोविजन दे रखा है, कोई प्रोविजन दे रखा है, तो 151 का नियम नहीं लागू होगा। अगर जब सीपीसी वो साइलेंट है किसी विषय पर, तब सिविल कोर्ट जो है इनहेरेंट पावर का प्रयोग करके सेक्शन 151 के तहत न्याय को उद्देश्य को प्राप्त कर सकती है और न्यायालय की आदेशों को के दुरुपयोग होने से रोक सकती है। अब मैं समझाता हूँ। अतः स्पष्ट है कि न्यायालय को अंतर्निहित शक्ति इसलिए दी गई है कि वे पक्षकारों को न्याय देने के लिए कोई भी आदेश पारित कर सकें, जहाँ सिविल प्रक्रिया संहिता या अन्य अधिनियम में प्रावधान ना हो। यदि सिविल प्रक्रिया संहिता या अन्य विधि में कोई स्पष्ट प्रावधान दिया गया है तो न्यायालय अपनी इनहेरेंट शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती। धारा 151 के अधीन अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग इसलिए नहीं किया जा सकता कि वह संहिता के प्रावधानों को शून्य बनाया जाए या क्या कहते हैं शून्य कर दिया जाए या उसको उल्लंघन किया जाए। धारा 151 का पर्पस ये नहीं है। रामजी गुप्ता वर्सेस गोपी कृष्ण 2013 सुप्रीम कोर्ट के केस में कहा गया कि धारा 151 में किसी पक्षकार को अनुतोष प्राप्त करने का सार्वधान प्रावधान नहीं है, सार्वधान अधिकार नहीं है। यह धारा न्याय के उद्देश्यों के लिए या न्यायालय की आदेशिका के दुरुपयोग को रोकने के लिए शक्ति प्रदान करती है। अपील धारा 151 के अंतर्गत पारित आदेश के खिलाफ अपील नहीं होती, इसके खिलाफ केवल उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण हो सकता है। अब हम कैसे मानेंगे? विभिन्न निर्णयों के आधार पर न्यायालय ने निम्न मामलों को अंतर्निहित शक्ति का माना। वादों और अपीलों को समेकन करना, वादों और अपीलों का समेकन करना, ऐसे मामलों में प्रेरणा के सिद्धांत को लागू करना जो संहिता की धारा 111 के अंतर्गत नहीं आते हैं। न्यायालय ने मतलब कई केसेस में न्यायालय ने इनहेरेंट पावर का प्रयोग किया, उसके उदाहरण जो है ऐसे मामले में रेस जुडिकेटा का सिद्धांत लागू करना जो संहिता की धारा 111 के अंतर्गत नहीं आते हैं। अंकिंचन या निर्धन व्यक्ति के मामले में प्रतिरक्षा करने का अवसर प्रदान करना, ऐसे प्रश्नों का संज्ञान करना जो कि पक्षकारों के बीच विवादग्रस्त विषय को समाप्त कर देता है, अपने द्वारा प्रदत्त अन्याय अमान्य अशुद्ध आदेशों को शुद्ध करना। तो अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग कब नहीं किया जा सकता? धारा आदेश 7 नियम 11 डी के अधीन कोई फीस ना देने की चूक में खारिज किए गए वाद को पुनः स्थापित करना, पक्षकारों को मेडिकल परीक्षण तथा खून की जांच करने के लिए मजबूर करना, किसी आदेश पर विचार अथवा पुनर्विलोकन करना, किसी एक पक्षीय डिग्री को रद्द करना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है इनहेरेंट पावर। तो इनहेरेंट पावर का जो मेन उद्देश्य है वो ये उद्देश्य है कि न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करना है और न्यायालय की आदेशिका के दुरुपयोग को रोकना है। अगर न्याय साम्या सद्विवेक के आधार पर इनहेरेंट पावर का प्रयोग कर न्याय पक्षकारों को न्याय प्रदान करती है, अगर सीपीसी में कोई स्पेशल प्रोविजन दे रखा है किसी मामले के विषय में, किसी फैक्ट के विषय में, तो उसके लिए सीपीसी का वही सेक्शन लागू होगा, ना कि सेक्शन 151 के अकॉर्डिंग इनहेरेंट पावर का प्रयोग करके उस सेक्शन की अवहेलना की जाएगी। सेक्शन 151 का जो इनहेरेंट पावर है वो जब ही लागू होता है जबकि सीपीसी साइलेंट होती है, किसी विषय पर मौन होती है, तब इनहेरेंट पावर का प्रयोग करके कोर्ट जो है अपना न्याय दिलाने के उद्देश्य से कोई भी अपनी प्रोसीडिंग या कोई भी अपना साम्य सद्विवेक का प्रयोग कर सकती है। तो आपको समझ में आ गया होगा इनहेरेंट पावर सेक्शन 151 ये पूछा जाता है BA, BLLB स्टूडेंट्स के एग्जाम्स में, और ये एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है सीपीसी का 151 इनहेरेंट पावर के बारे में। तो इसको जरूर समझें, इसका क्या पर्पस है, ये क्यों बनाया गया है, इसका यूज़ कब होता है, इसका यूज़ कब नहीं होता है, इसका यूज़ हम हमेशा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इस बारे में जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ के असिस्टेंट प्रोफेसर मेहता वाला से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।